इसमें कोई शक नहीं कि नेटफ्लिक्स दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर क्वालिटी कंटेंट हमारे सामने रखता है, जिससे हम ऑडियंस को एक से बढ़कर एक आइडियाज, उनकी इमेजिनेशन और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और हम ऑडियंस को यही तो चाहिए, आपके आइडियाज और आपके कॉन्सेप्ट में दम हो। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही टॉप 7 नेटफ्लिक्स की बेहतरीन सीरीज को लाए हैं जिनके कॉन्सेप्ट में दम होगा। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज के बारे में बताएंगे, जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट ढूंढकर हम आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कंटेंट की दुनिया में चला जाए। नंबर 5 की सीरीज जनरली सस्पेंस मिस्ट्री टाइप सीरीज में कैरेक्टर को समझाने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है, पर ये सीरीज आपको शुरू से ही फास्ट फॉरवर्ड में चलती है। नेटफ्लिक्स की तरफ से हाल ही में रिलीज किया गया 2021 की मिस्ट्री थ्रिलर के साथ स्टे क्लोज सीरीज की स्टोरी 17 साल पहले हुए एक हादसा कैसे एक फैमिली की लाइफ उथल पुथल करके रख देती है। सीरीज की खासियत ही है, फर्स्ट एपिसोड से ही आखिर विलन कौन है ये जानने के लिए आप एक्साइटेड रहते हो, जिसके वजह से सीरीज आपको लास्ट तक बांध के रखती है। और जब विलन के बारे में पता चलता है भाई, सच में आपको ये सीरीज चौंका देती है। बस इसके लिए शुरुआत का कुछ एपिसोड में टाइम लेती है, लेकिन लास्ट का कुछ एपिसोड आपको पता नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। वो एंजाइटी, वो टेंशन ये सीरीज आपको फील कराएगी। सस्पेंस मिस्ट्री सीरीज के फैन है तो ये सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा, वन टाइम मस्ट वॉच है। सीरीज नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज, अगर आपको मिस्ट्री, खजाना, सस्पेंस, टीनेज, रोमांस ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2020 टोटल 2 सीजन ड्रामा मिस्ट्री के साथ आउटर बैंक। सीरीज की स्टोरी 4 दोस्त और जॉन बी की एडवेंचर जर्नी पे बेस्ड है, जिनके पिताजी एक मिस्टीरियस खजाना को ढूंढ लेते हैं। उनके मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के बाद उनके बेटे को एक मिस्टीरियस कंपास मिलता है। सीरीज में आपको यही देखना है कि उस कंपास की मदद से अपने गायब हुए पिता को कैसे ढूंढता है, और साथ में ये भी पता लगाना है कि इस मिस्टीरियस कंपास के पीछे क्या मिस्ट्री है। सीरीज देखिए, आपके सारे सवाल का जवाब देती है। सीरीज की हमको सबसे खास बात लगी इन पांचों दोस्तों के बीच की वो बॉन्डिंग, इनके बीच की वो केमिस्ट्री। सीरीज देखने में मजा बहुत आता है। नो डाउट टीनेज ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखिए, आपको बोर नहीं करेगी। सीरीज दोनों सीजन नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज के लीड एक्ट्रेस, उनकी सिंपलिसिटी, उनकी एटीट्यूड देखकर आपको इमोशनल लेवल पे उनसे प्यार हो जाएगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टोटल 2 सीजन ड्रामा कॉमेडी के साथ एमिली इन पेरिस। नो डॉट सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए एक पल के लिए भी आपको कहीं पे बोर नहीं करती। सीरीज दोनों सीजन नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए सीरीज। नंबर 3 की सीरीज एक रियलिटी शो के एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रख डाला, एक ऐसा डेट जिनमें आपको एक दूसरे का बिना चेहरा देखे आपको लाइफ पार्टनर को चुनना है ना, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ये सीरीज एक्सपेरिमेंट कर हमारे सामने दिखाया है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2020 की रियलिटी शो लव इज ब्लाइंड। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, 30 मेन एंड यूमेन को पकड़ कर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट कराना, या फिर यूं कहिए एक ऐसा ब्लाइंड डेट पे जाना जहां आपको बिना एक दूसरे का चेहरा देखे सिर्फ उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन, उनकी इमोशन से आपको लाइफ पार्टनर को चुनना है बिना एक दूसरे का चेहरा देखे। सीरीज में आपको यही देखना है कि क्या ऐसी रिलेशनशिप टिक पाएगी, कितनों का दिल टूटेगा और कितनों का दिल जुड़ेगा। ये सीरीज आपको ब्लाइंड डेट के बाद प्यार होने से लेकर शादी के बाद होने वाले डिवोर्स की रियलिटी हमारे सामने रख डाली। नो डाउट इस सीरीज को हर कोई को देखनी चाहिए, लास्ट तक आते आते आपको जिंदगी कई बड़े बड़े लेसन सिखा जाएगी। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर दीजिएगा इस सीरीज को। नंबर 2 की सीरीज के बारे में क्या बता, जिसमें टीनेज स्कूल रोमांस ड्रामा हो और सबसे बड़ी बात नेटफ्लिक्स की फ्रेश कंटेंट हो, तो वो सीरीज सीधा हमारे इमोशन को हिट करती है। नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज किया गया मेक्सिकन टीनेज रोमांस ड्रामा के साथ 2022 की रेबेल डे। सीरीज की स्टोरी कुछ स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद से शुरू होता है लव, रोमांस, धोखा और रिवेंज का खेल। और सच में भाई, वो स्कूल वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग ये सीरीज आपको जरूर फील कराएगी। सीरीज की सबसे खास बात लगी टीनेज स्कूल रोमांस ड्रामा पे बेस्ड सीरीज हमने कई देखा, पर इस सीरीज में वो फ्रेश वाला बात थी। हर एक अतरंगी कैरेक्टर, उनकी एटीट्यूड आपको कूल लगेगा। अगर आप इलाइट जैसी स्क्रीन प्ले के फैन है तो ये सीरीज आपको इलाइट पार्ट 2 लगेगा। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है।
नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की सीरीज यार कराटे मार्शल आर्ट फाइट सीन देखने का एक्सपीरियंस ही बदल कर रख दिया। हर एक एंगल से परफेक्ट, चाहे वो डायरेक्टर की डायरेक्शन हो, स्टोरी लाइन हो या फिर स्क्रीन प्ले हो, हर एक एंगल से ये सीरीज आपको हाई लेवल की एक्सपीरियंस कराएगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2018 की सुपर हिट एक्शन फ्रिक्शन टोटल 4 सीजन के साथ कोबरा काई। इस सीरीज को एक बार देखना चालू करिए, आपकी इमोशन बन सकती है ये सीरीज। नंबर वन की सीरीज यार कोरिया की इमेजिनेशन हो और नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग हो तो पूछिए मत, उस सीरीज का देखने का एक्सपीरियंस टॉप नॉच लेवल की होगी। नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज किया गया 2021 की बेहतरीन कोरियन सीरीज में से एक साइफाई मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द साइलेंट सी। 24 घंटे की मिशन एक टीम को मून पे जाकर एक सैंपल को ढूंढ कर लाना है। फिर आप लोग कहोगे कि इसमें मिस्ट्री जैसी बात क्या है, ये नहीं बता सकते भाई, स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, सीरीज में कोरिया की इमेजिनेशन हो और नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कंटेंट हो तो आपको एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सीरीज हर किसी को एक बार देखनी ही चाहिए। बस शुरुआत के कुछ एपिसोड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए समय लेती है, उसके बाद से भाई सीरीज अपना स्पीड पकड़ती है जो सीधा खत्म होने के बाद ही रुकती है। ऐसी सीरीज को बेहिचक देखना चालू करिए और खुशी की बात है नेटफ्लिक्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग यार सीरीज देखने का मजा दुगनी कर देती है। ऐसी सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट ढूंढ कर हम आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।